Hello, hi everyone. Today we'll check Raghav's video, Best Talks in Vibrant Gujarat Summit 2024. Let's jump to the video. नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 12 जनवरी 2024 को गुजरात में खत्म हुआ। यह समिट 3 दिन तक चला। अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बातें हम यहां पे क्यों करें? ना तो मैं पॉलिटिशियन हूं, ना इंडस्ट्रियलिस्ट, ना ही गुजराती हूं। मैं एक इन्वेस्टर हूं और इस पूरे समिट को एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की और समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी गुजरात जैसे डेवलप्ड स्टेट में इतना बड़ा समिट होता है, वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचते हैं, इंडस्ट्री के हर सेक्टर से रिलेटेड सारे दिग्गज वहां पहुंचते हैं, तो इन्वेस्टर्स को काफी ध्यान रखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ये बातें चल रही हैं, किन एरियाज में, किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, कहां इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो। आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में किस डायरेक्शन में ये सारे इन्वेस्टमेंट्स चलेंगे, कौन से सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, इन सेक्टर्स के फोकस से, इन इन्वेस्टमेंट से हमको काफी इनसाइट्स मिलती हैं कि आने वाले समय में किन डायरेक्शंस में डेवलपमेंट होगा और वहां से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकते हैं। एज अ रिसर्च एनालिस्ट और एज एन इन्वेस्टर जितना मैं समझता हूं, इस समय ट्रेडिंग करने का वक्त नहीं है, ना ही छोटे समय के लिए किसी इन्वेस्टमेंट का वक्त है। इस समय टाइम में भारत की अच्छी कंट्रीज को सिलेक्ट करके उनमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करने का। ये वही स्टॉक्स हैं जो आगे चल के बहुत बड़े मल्टीबैगर के रूप में हमारे सामने आएंगे। अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें इकोनॉमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खास तौर से करंट डेवलपमेंट्स जो भी हमारे चारों तरफ चल रहे हो, क्योंकि ये वही करंट डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले मल्टीबैगर्स को डिक्टेट करेंगे। जब तक हमें इकोनॉमी का डायरेक्शन नहीं पता होगा, हर सेक्टर की ग्रोथ का डायरेक्शन नहीं पता होगा, तब तक हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कोई सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की हाइलाइट्स डिस्कस करूंगा। इन हाइलाइट्स को किसी कंपनी स्पेसिफिक वे से समझने की कोशिश मत करिएगा और ना ही इस वीडियो को देख के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को देख करके आप समझने की कोशिश करिए कि किस डायरेक्शन में ये सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कहां कहां एज एन इन्वेस्टर हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, कौन सी वो कंपनीज हो सकती हैं जो कि इस समय छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, यानी कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्पेस में काम कर रही हैं, बट आने वाले समय में 100 गुना या 500 गुना तक मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकें, सिलेक्ट कर सकें, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकें और लंबे समय तक उनमें इन्वेस्टेड रह सकें, तो डेफिनेटली हम यहां से बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम किसी स्टेट में या किसी जोन में डेवलपमेंट की बात सुनते हैं, तो वहां पे स्टेट पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। ये इंडस्ट्रीज, ये स्टेट्स और ये मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस सब कमिटमेंट्स करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करते हैं, ताकि उन इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्शन दिया जा सके। बट एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इन्वेस्टर को फ्रीडम होती है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, बट कमिटमेंट कुछ नहीं होता। जब भी इन्वेस्टर को लगे कि मेरा प्रॉफिट अब यहां से बहुत हो गया है, तो वो वहां से एग्जिट ले सकते हैं बिना किसी भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए और एक नए सेक्टर में, नई कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, इस समय स्टॉक मार्केट हमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब शुरू हुई है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की क्या हाईलाइट्स थी और मेरे और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट की टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, जिससे हम आगे चल के स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस डायरेक्शन में हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को ले जा सकते हैं। इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आप चाहें तो उसका पुष्टिकरण यानी कि उसको वैलिडेट कर सकते हैं, आप चाहें तो फर्दर भी इस पॉइंट पे रिसर्च कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से एजुकेट हो सकें एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। एक बार आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे पोर्टफोलियो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कब मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप भी उनकी केस स्टडी से सीख सकें, समझ सकें कि कैसे रियल टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो आप मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में टोटल 41,291 प्रोजेक्ट्स का अब तक डिक्लेरेशन हो चुका है, जिसमें करीब 26 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये MOUs अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं। ये MOUs वो हैं जो कि इन 3 दिनों के अंदर साइन हुए। अगर हम इस समिट के फॉलो अप को भी देखें तो टोटल इनकी संख्या करीब 45 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री पटेल का कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो कि 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना पैंडेमिक की वजह से, उसमें करीब 18.87 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए थे टोटल 57,421 प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि अगर हम 2019 से लेकर के अब तक देखें, 2019-2024 तक देखें, तो 45.2 लाख करोड़ के MOUs साइन हुए हैं गुजरात समिट के दौरान, जिसमें टोटल 98,540 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले कहा था
कि इसमें वो प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है जो कि फॉलो अप में साइन किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमओयूज जो कि 2019 में साइन हुए थे उनकी संख्या थी 28,360। 2024 के तीन दिन के समिट में बड़े बड़े नाम जैसे कि रिलायंस, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, सुजुकी, अर्सेलोर मित्तल, इन सभी लोगों ने बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किए हैं और इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए हैं इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इस समिट का थीम दिया गया था गेटवे टू द फ्यूचर और इस बार सबसे ज्यादा फोकस और इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स में। सिंगापुर की माइक्रोन ने अनाउंस किया कि उनका पहला सेमीकंडक्टर यूनिट ऑपरेशन स्टार्ट करेगा अर्ली 2025 में और ये गुजरात में एस्टैब्लिश होगा। ग्रीन एनर्जी को भी काफी अटेंशन मिली और सबसे बड़े जो दो बिजनेस ग्रुप्स हैं रिलायंस और अदानी दोनों ने ही ग्रीन एनर्जी को लेकर के अपने अपने कमिटमेंट्स और अपने अपने वादे गुजरात स्टेट के लिए किए हैं, अपने अपने ऑफर्स गुजरात को दिए हैं। रिलायंस ग्रुप का धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स आशा है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में वो ऑपरेशन शुरू करेगा। साथ ही साथ अदानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाएंगे जो कि स्पेस तक से दिखाई देगा। अब वीडियो में और डिटेल में जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स को कितना कितना फंड एलोकेट किया गया, कितने कितने एमओयूज वहां पे साइन हुए हैं। तो सबसे नंबर वन पे आते हैं पावर, ऑयल और गैस सेक्टर, जिन्होंने हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट अट्रैक्ट किया है और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था करीब 17.6 लाख करोड़ का फरवरी 19 से लेकर के जनवरी 2024 तक। इस इन्वेस्टमेंट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है। दूसरे नंबर पे इन 5 सालों के दौरान आते हैं केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और जीआईडीसी लार्ज प्रोजेक्ट, जिसमें 5.34 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिट किए गए हैं। इंजीनियरिंग, ऑटो और अदर इंडस्ट्रीज नंबर 3 पे आते हैं जिसमें 5.24 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स कमिट हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट में 3.7 लाख करोड़ और फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.2 लाख करोड़। ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम देख रहे हैं फरवरी 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक के, यानी कि 5 साल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एमएसएमईज ने भी इस समिट में काफी इन्वेस्टमेंट्स देखे और करीब 1.96 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमएसएमईज में कमिट किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये मेंटेन किया है कि उनका फोकस इस बार रहा है हाई क्वालिटी एमओयूज को साइन करने का जो कि ऑनर किए जा सके। ऐसा ना हो कि वहां पे पर्चा साइन हुआ और उसके बाद ना कंपनी का पता है ना सरकार का पता है कि वो एमओयू ऑनर हो रहा है या नहीं हो रहा। गुजरात गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि पिछले सालों में एमओयूज का सक्सेस रेट करीब 70% रहा है, यानी कि जितने एमओयू साइन हुए उसमें से 70% एग्जीक्यूट हुए हैं, ऑनर हुए हैं। बट इस समिट में गुजरात गवर्नमेंट चाहती है कि ये सक्सेस रेट बढ़कर 90% तक पहुंचे। अब हम देखते हैं अलग अलग कंपनीज ने, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनीज हो, किस तरीके से अपने कमिटमेंट्स वहां पे रखे हैं, अपने ऑफर्स वहां पे रखे हैं और क्या क्या इन कंपनीज ने, इन देशों ने कहा है कि वो किस तरह के यूनिट्स या किस तरह की फैसिलिटीज, किस तरह की इंडस्ट्रीज गुजरात में प्रमोट करेंगे, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, नई फैसिलिटीज बनाएंगे या एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को एक्सपैंड करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारत की 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, हम सब जानते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ₹100 करोड़ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, वहां पे इन्होंने कमिट किया है। और ये कमिटमेंट उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने से पहले ही कर दिया था, यानी कि रिसीडिंग पार्ट में ही उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया था। नेक्स्ट आती है सिंगापुर की माइक्रॉन कंपनी, जो कि एक ग्लोबल लीडर है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, और अब ये पूरी तरीके से तैयार है गुजरात में एक वर्ल्ड क्लास मेमोरी असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने के लिए। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 27,000 करोड़ का होगा। अदानी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम अदानी ने भी अनाउंस किया है कि वो ग्रीन सप्लाई चेन को काफी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे गुजरात में और क्रिएट करेंगे दुनिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो यहाँ पे ये इकोसिस्टम, जो ये ग्रीन एनर्जी पार्क बनाना चाहते हैं, वो इस लेवल का बनेगा कि उसे स्पेस से भी देखा जाएगा। अदानी ग्रुप अगले 5 सालों में करीब 2 लाख करोड़ गुजरात में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनका मानना है कि इससे 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे पहले भी अदानी ग्रुप ने करीब 55,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पिछले समिट में कमिट किए थे गुजरात के लिए, जिसमें से 50,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। अदानी ग्रुप के चेयरमैन का मानना है कि ये इनिशिएटिव्स पूरी तरीके से अलाइंड है एक बड़े गोल के साथ, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस और इंडिया को एनर्जी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने का। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि सनंद गुजरात में जो कि स्थित है, वो टाटा सन्स की और टाटा मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के एंडेवर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना काम कर रहे हैं उसमें उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे रीजन का। और उनका यह भी कहना है कि इसी रीजन में वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपेसिटी को अब एक्सपैंड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को एक्सपैंड करेंगे। साथ ही साथ टाटा सन्स अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी फोरे करेंगे, वहां पर डाइवर्सिफाई करेंगे। और उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि धोलेरा में उनकी नेगोशिएशंस चल रही है एक सेमीकंडक्टर फैब के लिए और ये नेगोशिएशंस अपनी फाइनल स्टेजेस में है। उनका ऐसा मानना है कि ये प्रोजेक्ट 2024 में ही इनिशिएट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही टाटा सन्स के चेयरमैन ने यह भी रिवील किया है कि वो एक मैसिव 20 गीगावाट बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी गुजरात में बनाएंगे। कुछ ही महीनों के अंदर इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और इस फैसिलिटी से, और ये बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एनर्जी स्टोरेज के लिए। साथ ही साथ भारत का जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का कमिटमेंट है, उसको भी ये काफी आगे बढ़ाएगी। जिरोधा के निकी कामत ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करी
बताई। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने एक स्टेबल इकोसिस्टम क्रिएट किया है जहां पे यूथ और इंडस्ट्री दोनों को ही काफी सपोर्ट मिल रहा है। ये इकोसिस्टम इस समय पूरी तरीके से कंड्यूसिव है इंडस्ट्री के लिए। जितना इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती है तो उससे यूथ के लिए बहुत जॉब क्रिएशन होते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है। श्री कामत का ये भी कहना है कि इस समय इंडिया में जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस हैं। एनवीडिया ने अनाउंस किया है कि वो यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोलैबोरेट करके गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे। एनवीडिया जो कि एक टेक्नोलॉजी जायंट है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत की यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप्स बनाने के लिए काफी ईगर है और ये सारी पार्टनरशिप्स डिजिटल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स पे फोकस करेंगी। इससे सिर्फ गुजरात के नहीं पूरे भारत के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में काफी सहारा मिलेगा। श्री गौतम अदानी ने ये भी हाईलाइट किया कि भारत ने 2014 के बाद क्या कुछ अचीव किया है। उनका कहना है कि जीडीपी में 185% की ग्रोथ आई है और पर कैपिटा इनकम में भी 165% की ग्रोथ आई है। आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन श्री लक्ष्मी मित्तल ने कहा भारत के प्रधानमंत्री का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो इनिशिएटिव है उस इनिशिएटिव को काफी बढ़ावा इस गुजरात समिट से मिल रहा है। यूएई के सुल्तान अहमद बिन सुलायम जो कि चेयरमैन और सीईओ है डीपी वर्ल्ड के, ये कंपनी एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि यूएई में हेडक्वार्टर्ड है और इसके काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं अगले 3 साल में भारत को लेकर के। और वो ये कहते हैं काफी हैवी इन्वेस्टमेंट्स डीपी वर्ल्ड करेगी अब गुजरात में। एग्जिस्टिंग उनका इन्वेस्टमेंट इस समय करीब $3 बिलियन का है, बट इसके ऊपर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी सहारा मिले। कंपनी कंस्ट्रक्ट करना चाहती है कटिंग एज कंटेनर टर्मिनल कांडला पोर्ट पे जो कि 2 मिलियन कंटेनर्स की कैपेसिटी रखेगा। इस पूरी फैसिलिटी से ट्रेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को काफी सहारा मिलेगा और भारत और यूएई के बीच में संबंध भी काफी मजबूत होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं है कि भारत 2047 तक $35 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करेगा। और उनका यह कहना है कि इस समय जो भारत की ट्रेजेक्ट्री है वो पूरी तरीके से इस पाथ पे चल रही है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अब इस ग्रोथ को रोक सके। उनका यह मानना है कि 2047 तक यानी कि जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे तब तक गुजरात अकेला ही $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका होगा। इस समिट में नेपाल ने भी हिस्सा लिया और अब नेपाल और भारत के बीच में एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भारत को एक्सपोर्ट की जाएगी आने वाले 10 सालों में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि 75 इयर्स पूरे कर लिए हैं और अब 100 इयर्स पूरे करने में जो लास्ट के 25 इयर्स हैं उसको उन्होंने अमृतकाल कहा है। अमृतकाल में उनका ये मानना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब भारत को आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक डेवलप्ड नेशन बना दिया जाएगा। भारत की प्रायोरिटीज इस समय है सस्टेनेबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन। इन की सेक्टर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी ही वो होंगे जो भारत को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। अगर शॉर्ट में हम देखें तो टाटा एक ह्यूज सेमीकंडक्टर फैब बनाएंगे गुजरात के ढोलेरा में, साथ ही साथ 20 गीगावाट की लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री बनाएंगे सानंद में। इसके साथ ही C-295 डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगे वडोदरा में पहले और बाद में ढोलेरा में। मारुति सुजुकी इन्वेस्ट करेंगे ₹35,000 करोड़ रुपए अपना सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में सेटअप करने के लिए। 2028-29 तक ये प्लांट अपने ऑपरेशन शुरू कर देगा। सुजुकी ग्रुप की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सुजुकी मोटर गुजरात से इस साल के एंड तक शुरू कर दी जाएगी। सुजुकी ग्रुप टोटल ₹3,200 इन्वेस्ट करेंगे। अगले 5 सालों में अदानी ग्रुप ₹2,00,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे जिससे करीब 1,00,000 जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। इसके साथ ही जो ग्रीन एनर्जी पार्क कच्छ में क्रिएट किया जा रहा है जिसकी टोटल कैपेसिटी 30 गीगावाट होगी और ये 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कौन से वो आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन से वो थीम्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे। जो लीडिंग सेक्टर्स हैं ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिन कंट्रीज ने, जिन देशों ने इस समिट में हिस्सा लिया, भारत के साथ पार्टनरशिप की, उनके नाम भी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो भारत की हो चाहे भारत से बाहर की हो, जिन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। अब सवाल आता है कि एज एन इन्वेस्टर आखिर डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? क्या इससे सिर्फ गुजरात को या गुजरातियों को फायदा होगा, सिर्फ इन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, या एज एन इन्वेस्टर मैं और आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं? जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, ये एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। इस समय बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज भी भारत की ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। 2047 तक का जो एम है भले ही देखने में आज से ये दूर लगे, ऐसा लगे कि अभी इसमें 23-24 साल हैं, बट ये एम एक दिन में, एक रात में या एक घंटे में पूरा नहीं हो सकता। सालों में जाकर के ये चीजें पूरी होंगी और हर साल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में कई सालों तक हमारे सामने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। हमें बस तय ये करना है कि आज हम जिस स्टॉक में, जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करें। और लॉन्ग टर्म का मतलब कोई ये नहीं होता कि हम 100 साल के लिए इन्वेस्ट करें। अगर हम सिर्फ 5 से 10 साल का भी एम बना के इन्वेस्ट करें तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को 50-100 times ग्रो करते हुए देख सकते हैं। किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। जब भी वो इकोनॉमी, चाहे वो यूएस की हो या कोई और
बड़ी इकोनॉमी हो अपने ग्रोथ फेज में आए हैं तो उनके स्टॉक मार्केट्स कई गुना मल्टीप्लाई हुए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टेट के कमिटमेंट्स हो सकते हैं बट इन्वेस्टर्स के सामने कभी कोई परमानेंट कमिटमेंट नहीं होता और वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने के बाद जब चाहे एक नए इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलने से पहले आपको